तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके जो नीट और CUET का जो एग्ज़ाम डेट है वो ऑलरेडी आ चुका था एंड आपके जो एग्ज़ाम है वो मई में कंडक्ट करवाए जा रहे थे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल। आई एम वन्ना एंड टुडे वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल नीट UG एस्पिरेंट्स एंड CUET एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके जो नीट और CUET का जो एग्ज़ाम डेट है वो ऑलरेडी आ चुका था एंड आपके जो एग्ज़ाम है वो मई में कंडक्ट करवाए जा रहे थे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि 2024 में जो है लोकसभा का चुनाव होने वाला था एंड हाल ही में जो है लोकसभा चुनाव की जो डेट है वो आ गई है। तो उसकी जो डेट है वो आपकी 19th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होकर 1 जून तक जो है आपका लोकसभा का चुनाव होगा। सो बच्चे जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे उनकी जो है सबसे मोस्ट ऑफ द क्वेरी ये आ रही थी कि क्या उन लोकसभा चुनाव के कारण हमारा जो एग्ज़ाम डेट है वो आगे बढ़ेगा, डेट एक्सटेंड होगा, तो मतलब पोस्टपोन होगा, तो कब होगा हमारा एग्ज़ाम एंड क्या उसी डेट पर एग्ज़ाम होगा। सो बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा ने जो है चुनाव डेट घोषित किया है, तो आपके जो चुनाव है वो फर्स्ट जो है 19th ऑफ अप्रैल को ही चुनाव है एंड सेकंड जो है वो आपका 26th ऑफ अप्रैल को है एंड थर्ड चुनाव जो है थर्ड वे का चुनाव जो है वो आपका 7th ऑफ मई को है एंड आपका जो एग्ज़ाम है वो है 5th ऑफ मई को, 5th ऑफ मई संडे। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल नहीं हो रहा है। सो जो भी बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट UG का एग्ज़ाम देने वाले 2024 में, वो इन सब बातों से निकल के अपने एग्ज़ाम पे प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपको पता है कि 40-45 डेज आपके पास रह चुका है नीट के एग्ज़ाम को होने में। तो अपने जो है पढ़ाई पे फोकस करें एंड कुछ ही दिनों में जो है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा किस स्टेट में आपका एग्ज़ाम होना है, कहाँ पे एग्ज़ाम होना है, ये सारी चीज़ें जो है आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। तो फिलहाल जो है अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें और फालतू की न्यूज़ों में ना पड़े। थैंक यू।